इंटेंसिटी यहाँ से निकली तो आई थी, फिर यहाँ से निकली तो आई नॉट हो गई, फिर यहाँ से आई नॉट बाय 4 हो गई, यहाँ से आई नॉट बाय 8 हो गई। यार कितनी बार डिवाइड करवाओगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलो इनकी कोई छोटी सी ट्रिक ढूंढते हैं। बस बस बहुत हो गया, अब सुन लो सारे, अब हम चमकाएंगे तुम्हारे सितारे। क्या पेपर तुम्हारी अरे घबराओ मत, बाबा जी है बता। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पोलराइजेशन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन सारी वैरायटीज को। तो चलिए बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। गिवन डेटा देखने के और कुछ करने के पहले फॉर्मूले देख लो, इस पर बेस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलावा नहीं बन सकते, ये गारंटी आपके फिजिक्स भावा की। तो देखो यार, ब्रूस्टर्स लॉ पर बेस क्या होता है भाई? एक एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पर पोलराइज्ड होती है, प्लेन पोलराइज्ड होती है, और उस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और ये फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP। और जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं उस समय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज 90 डिग्री पर होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और अगर अपन देखें तो IP प्लस 90 प्लस R, क्योंकि ये भी IP होगा, तो IP प्लस 90 प्लस R 180 हो जाएगा, तो IP प्लस R 90 होता है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसीलिए बहुत ध्यान से इसको दिमाग में रखना, मैं कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा। मैलस लॉ की अगर अपन बात करें, मलूज लॉ सो कॉल्ड, ठीक है इसकी हिस्ट्री है ना, तुमने वीडियो देखा होगा तो पता चला होगा। मैलस लॉ क्या कहता है? ये तुम्हारे पास पहला वाला कहलाता है पोलराइजर और दूसरा तुम्हारे पास है एनालाइजर, ठीक है। तो बात नहीं करते उसके पहले अनपोलराइज लाइट की, मैलस लॉ ने बात करी सिर्फ पोलराइजर के बाद एनालाइजर से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी की। यहां बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं यार, अपने भाई लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पहली बार में भी मैं मैलस लगा दूं। भाई पहली बार में मैलस नहीं लगता, मैलस लॉ सिर्फ पोलराइज लाइट पर ही लगता है। जब वो एक बार पोलराइजर से पास हो चुकी हो, जब वो पोलराइज लाइट किसी दूसरे एनालाइजर से पास होती है, जो एक तरह से पोलराइजर ही होता है मगर पोलराइज लाइट है इसीलिए अब उसको एनालाइज कर रहा है, तो जो एनालाइजर से पास होती है सिर्फ उसी पर लगता है। और वो ये कहता है कि अगर मुझ पर इंटेंसिटी जो इंसिडेंट हो रही है वो आई नॉट हो रही है, तो जो इंटेंसिटी बाहर निकलने वाली है वो होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा होगा एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और ये जो एंगल पोलराइजर का जो प्लेन है वाइब्रेशन का जो वो अलाउ कर रहा है, उन दोनों प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के बीच का एंगल। जैसे अगर ये मेरे पास है प्लेन किसका, पोलराइजर का जो अलाउ कर रहा है वाइब्रेशन का, और अगर ये मेरे पास है प्लेन जो अलाउ कर रहा है एनालाइजर वाइब्रेशंस को, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल थीटा है मेरे पास, ठीक है, सामने से दिख रहा होगा शायद। चलो तो अब अपने पास ये हुए फॉर्मूला सेक्शन, आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जो तुमने डेटा निकाल लिया होगा, कई लोग अपने हीरो लोग भाई लोगों ने और मतलब हीरोइन साइड भी सॉल्व कर लिया होगा और चेक कर रहे होंगे, तो बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, हल्के में बिल्कुल मत लेना। अपनी आदत होती है म्यू निकालने की और एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालने की, बट यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकलवाया इसलिए बाबा जी सॉल्व करवा रहे हैं। तो भाई म्यू इज इक्वल्स टू रूट 3 गिवन था। अगर मैं देखूं तो मुझे कहा गया कि आर निकालो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, अगर लाइट प्लेन पोलराइज होके जा रही है तो इसका मतलब पोलराइजिंग एंगल पर आ रही है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 IP हो जाएगा। म्यू की वैल्यू रूट 3 रख दी अपन ने, 10 IP इज इक्वल टू 1060, इक्वेट किया, IP इज इक्वल टू 60। बचो इस बात से कि ये आंसर है या आंसर नहीं है, मांगा है मुझसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर मांगा है तो भाई मैंने कहा था ना ये डेटा बहुत काम आने वाला है। IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो IP प्लस R इज 90 डिग्री, 60 प्लस R इज इक्वल टू 90, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया मेरे पास 30 डिग्री। बहुत आसान हो गया, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ।
वापस। तो यार ये हुआ क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैलस लॉ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे, मगर ये एक अलग टाइप का वैरायटी है, इसीलिए करवाना बहुत जरूरी है और मजेदार क्वेश्चन है। तो यार सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि दो पोलराइड थे, एक और दो दोनों क्रॉस में थे, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, और तीसरा वाला एक आया। जब भी यार ये तीसरा आता है ना दो के बीच में, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब तो ये हमेशा से झगड़े करवाता है यार, मतलब इन दो के बीच में और कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। वैसे ही कुछ हुआ यहाँ पे भी, देखते हैं क्या हुआ। चलो खैर, तो मुझसे कहा गया कि जो फाइनली P2 जो ये दूसरे वाला भाई था, इससे जो निकलने वाली इंटेंसिटी थी उसकी इंटेंसिटी बताओ। मैंने कहा ओके बता देता हूँ, उसमें क्या है। तो ये मेरे पास P1 है, उसने कहा बताया नहीं कि कितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है, तो मैंने I0 मांग ली। तो मान लिया कि I0 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है। मैंने कहा था मैलस लॉ तभी लगता है जब पोलराइज लाइट हो, मगर ये तो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है, और जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, एंगल वेंगल का कोई वांदा नहीं है यहाँ पे। तो यार सीधी सीधी बात थी, जैसे ही इंटेंसिटी इस पर आएगी तो जो आउटपुट मिलने वाला है यहां पर वो हाफ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा I0/2। और इसके बाद अब देखो, अब इस ये वर्टिकल है और ये इससे थीटा एंगल पे था, तो अब जो तुम्हें मिलेगा, अब मैलस लॉ लगेगा क्योंकि ये पोलराइज हो चुकी है यहां पर लाइट। अब इससे जो मिलेगा पहली बार जो P3 बीच में जो बीच वाला आया ये पिक्चर में, इसके कारण जो अब होने वाली लाइट जो पास होगी वो इंटेंसिटी कितनी इंसिडेंट हुई, I0/2 इसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स, क्योंकि एंगल थीटा है। अब बात करते हैं लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग P2। अब ये देखो, ये है हमारे पास इस तरह से और ये हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है अपने पास 90-थीटा। जब इन दोनों के बीच का एंगल 90-थीटा है तो मैलस लॉ लगाएंगे तो कितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आउटपुट मिलता है वो क्या था, वो जो भी इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है उसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स है थीटा। तो यहां पर देखो भाई, इंटेंसिटी इंसिडेंट कितनी हुई, I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहां पर इंसिडेंट हुई। बाहर कितनी मिलेगी, इसका कॉस स्क्वायर थीटा, बट अब की बार थीटा थीटा नहीं है, ये और इसके हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 90-थीटा है भाई, ये वाला एंगल। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90-थीटा। मुझे इसी की किसी को सॉल्व करना है, तो मैंने इसका ओपन करा तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, I0/2। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसे ही है, यहां पर ये कॉस 90-थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है क्योंकि मुझे थीटा की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए मुझे मैक्सिमम मिलेगी और मिनिमम मिलेगी। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, इसको क्या साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, लिख दो भाई कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरे पास मुझे कुछ कुछ याद आया। बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बट मैथ्स वाले अब दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 2 sin theta cos theta का फॉर्मूला है। मैंने कहा है 2 half angle फॉर्मूले याद कर लो यार। तो ये 2 sin theta cos theta, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, 2 sin theta cos theta बन गया sin 2 theta। और जब इसका स्क्वायर अंदर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 theta, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 हो गया 8। अब मुझे बोला था मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम तो तब मिलेगी जब साइन 2 theta 0 हो जाए, और 0 कब होगा, 0 पे ही होता है, इसका मतलब है थीटा मस्ट बी 0 अगर मिनिमम चाहिए तो। यानी ये थीटा अगर ऐसा ही होता, वर्टिकल होता, तो ऑब्वियसली यहां से पास होती, बट यहां से पास ही नहीं हो पाती। और अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो साइन 2 theta की वैल्यू होनी चाहिए 1। तो अगर ये देखें तो साइन 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, तो 2 theta = 90, theta = 45 degree। एक अच्छी वैरायटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें तीसरे वाले ने आके प्रॉब्लम शुरू करी और वो प्रॉब्लम एक अच्छी बन गई। खैर जल्दी से ले लो तुम इसका क्या स्क्रीन शॉट।
वापस। तो यार इसके बाद अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त, देखो ये आ गया अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर। आई एम 90% श्योर कि वो जो टिपिकल वाला सेकेंड क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन पढ़ते हुए 90% लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। मैं 90% ही श्योर था और 90% ने कर लिया होगा, उम्मीद है कर लिया होगा। नहीं कर पाया कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ। चलो अपन से क्या कहा, दो पोलराइड्स हैं P1 और P2, इनके बीच में फिर से वही एक थर्ड वाला आ गया। ये थर्ड पार्टी आते ही गड़बड़ कर गई और इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों तो पहले क्रॉस में थे, जीरो इंटेंसिटी मिल रही थी, बट अब इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो I0 है और वो P1, P2 और P3 से जो निकल रही हैं इंटेंसिटीज उनके बारे में आपको बताना है कि क्या होगी उनकी वैल्यू। तो भाई पहले वाले से जो पास हो रहा है वो कितना होगा, तो अनपोलराइज लाइट जब भी पास होती है माइनस नौ नहीं लगता है और इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। जब वो P3 से पास होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटेंसिटी P3 इज इक्वल टू I0/2 इंसिडेंट हो रही है और एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो I0/2 का cos square 60, ये मेलस लॉ कहता है अपन से, और cos square 60, cos 60 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 × 2 = 8, तो अपने पास क्या आ गई P3 की वैल्यू I0/8। अब आता है P2, I0/8 तो यहां पर इंसिडेंट हो रहा है और अब देखो हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का एंगल, अगर 90 पूरा एंगल है 60 चला गया तो बचा कितना 30, तो जो मेरे पास P2 आने वाला है वो P2 कितना आने वाला है, P2 आने वाला है मेरे पास इंसिडेंट I0/8 into cos square 30, cos square 30 भाई cos 30 हो गया √3/2, इसका हो गया square, तो ये आ गया 3/4, मल्टीप्लाई कर दिया 3 I0/32, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन खत्म। मैंने ज्यादा दम बिल्कुल नहीं लगाई क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि मेरे गैंग मेंबर्स को मेलस लॉ जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था वो समझ में आ गया, सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये हलवा है यार, अपन ऐसे खा जाएंगे इसको तो चलो जल्दी से इसी तरह से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वापस तो यार मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। डिस्क्रिप्शन के लिंक के वीडियो ज़रूर देखते रहा करो, तभी कम्प्लीटली तुम सारी चीज़ों को गेन कर पाओगे। और इस बात को ध्यान रखो, सारी चीज़ें हो रही हैं इस बार तो 95, अब की बार 100% पार। तो यार इतना बहुत है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टा पे फॉलो करना गलती से भी मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हो।